फिरोजाबाद में आगामी त्योहारों को लेकर जिला मुख्यालय के सभागार में बैठक हुई। बैठक का आयोजन जिलाधिकारी की मौजूदगी में किया गया, जिसमें प्रशासनिक आला अधिकारी और सामाजिक सेवा के लोग शामिल रहे। बैठक में अमन चैन कायम करने और आगामी त्योहारों पर आपसी सद्भाव भाईचारे बनाए रखने की बात की गई है। देखिए, जो आगामी हमारे आने वाले त्यौहार हैं सारे, वो लेके सारी सभी जो धर्मावलंबी हैं, सभी धर्मों के उनको बुलाया गया था, और जितने भी समितियां हैं, दुर्गा पूजा समिति हो, बारह वफात की हो, मुहर्रम समितियां, सभी सभी लोग आए थे, और प्रशासन की तरफ से सभी एजेंसी भी थी, नगर निगम थे, बिजली विभाग के थे, नगर पालिका नगर पंचायत थे, पुलिस के सभी लोग थे। तो कप्तान साहब हमारे अध्यक्षता में ये हमने डिस्कशन कर लिया एक सेंट्रल पीस कमेटी की, और भी सुझाव आए हैं उस पर कुल मिला के विचार विमर्श हुआ है। ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जो प्रशासन के निर्देश हैं कि कहीं भी जो हमारे प्रमुख जो सार्वजनिक सड़क हैं या रास्ते हैं, उस पर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा। वाल्मीकि जयंती और जो आगामी दशहरा और दिवाली की जो तैयारियां हैं, खासतौर से आतिशबाजी को लेकर, उसके लिए भी एक बड़ी जिला मीटिंग हुई है, जिसमें सभी लोगों को उसकी अपेक्षाएँ उस कार्य बताया गया है। पुलिस अरेंजमेंट्स कार्य बताया गया है कि इसमें पूर्णतः सावधानियाँ रखी जाएंगी, इसमें फायर है, UP 112 है, सिविल पुलिस है, PSC सभी ड्यूटी लगाई जाएंगी।